जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करते हैं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने सीए फाइनल के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसके अंदर एक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो सीए फाइनल के एग्जाम के लिए 5 to 10 marks का इंपैक्ट डाल सकती है। अभी रिसेंटली आईसीआई ने क्या किया था, अपनी आरटीपी शेयर की थी मई 23 के लिए। तो जैसे ही आरटीपी आईसीआई की तरफ से आई थी, मैंने विद इन 24 आवर्स के अंदर सीए फाइनल एफआर की आरटीपी अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि यहां पे इस आरटीपी के अंदर कुछ गलतियां हैं, और आईसीआई ने उन सारी की सारी गलतियों को ठीक कर दिया। अब रिवाइज आरटीपी इशू करती है। मैं पहले दिल से आईसीआई को थैंक्स बोलूंगा, और अब आपको मैं वो सारी की सारी गलतियां बताता हूं जो मैंने वीडियो में बता रखी थी, और फिर आपको मैं साथ साथ रिवाइज आरटीपी से भी इसको क्रॉस टैली कराता हूं। देखिए, जो ये आरटीपी मई 23 की मैंने वीडियो अपलोड कर रखी, इसमें 12.55 पे जाएंगे आप टाइम पे, ये देखिए मैंने कुछ बोल रखा है। और उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी साहब, उसकी कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 5 लाख दे रखी। ये क्वेश्चन वन है, 1 लाख या तो कहां जाएगा आपका, ओसीआई में, पीएनएल अकाउंट में, डिपेंडिंग ऑन कि आपने इससे पहले इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासिफाई कर रखा था। ठीक, ये देखिए इंस्टीट्यूट की जो ओरिजिनल आरटीपी आई थी उसमें उन्होंने क्या किया था, जो डिफरेंस था इन्वेस्टमेंट का, जब आप इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिवैल्यू करते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को, तो इन्होंने उस डिफरेंस को पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा रखा था, जबकि वो पीएनएल के अंदर भी जा सकता है, ओसीआई के अंदर भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासिफाई कर रखा है। ठीक, ये देखिए ये है रिवाइज आरटीपी, जहां पे इन्होंने क्या किया, पीएनएल और ओसीआई एज अप्रोप्रिएट लिख दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं ओरिजिनल आरटीपी के अंदर, वीडियो के अंदर मैंने आपको वो डायलॉग सुना दिया है। ये देखिए ये ओरिजिनल आपकी आरटीपी थी, जहां पे इन्होंने एक तो गलती क्या कर रखी थी, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, 5 लाख 5 लाख ऊपर आएगा, वो आप रिवाइज आरटीपी में देख सकते हैं, और गेन चार्ज टू पीएनएल अकाउंट लिख रखा था। सेकंड गलती इन्होंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कर रखी थी। देखिए पहले मैं आपको एक बार आरटीपी दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इन्होंने यहां पर रिवेन्यू वर्ड लिख रखा था, जबकि मैंने बताया था ये वर्ड प्रॉफिट होना चाहिए। अब आईसीआई ने क्या किया, इस वर्ड को प्रॉफिट मेंशन कर दिया रिवाइज आरटीपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, सर सर मैंने कहा हां जी, एक बार प्लीज वीडियो में भी सुना दो इस डायलॉग को। लो जी टाइमिंग क्या है इसका, 20.47, एक सेकंड दीजिए बस। हां जी, रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सेल पर रिवेन्यू कितने अर्न किया आपने, यहाँ पे कायदे से प्रॉफिट वर्ड होना चाहिए, क्योंकि रिवेन्यू का मतलब एक तरीके से सेल होता है। चले जी सर, तीसरी जो इंस्टीट्यूट ने गलती कर रखी थी, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में, आई एक बार इसका टाइम है 24.07, कौन सा पेनबैक ले लेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, इसका जो टोटल आया ना वो 21.81 है, अगले साल का क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग बन जाएगा 21.80। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, स्टार तो लगा दिया बट नीचे स्टार कहीं एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप यहाँ पे स्टार लगा के लिख सकते हैं ये डिफरेंस जो है ये ड्यू टू फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको भी करेक्ट कर दिया। फोर्थ जो एक मेजर मिस्टेक थी वो थी इंडिया 23 के अंदर, पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन 3 का टैली करा देता हूं सॉल्यूशन, ये देखिए अब ये स्टार लगा दिया। अब जो सबसे मेन मिस्टेक इंस्टीट्यूट ने कर रखी थी, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं इंडिया 23 के अंदर, पहले आप पूरी वीडियो को सुनिए एक बार ध्यान से। मैं बोरोइंग कॉस्ट जैसे ही कैपिटलाइज हो जाते हैं सर, हम बेसिकली क्या करते हैं उसे, सर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्वालिफाइड का पार्ट मान लेते हैं। अब इंस्टीट्यूट ने उसको पार्ट नहीं मान रखा, टेक्निकली अगर आप देखेंगे ना तो जैसे सर आपने बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड किए ना, तो अपना जो अमाउंट आ जाएगा 45 + 0.875 आ जाएगा, कब से, फ्रॉम 1st अप्रैल नेक्स्ट से। तो देखिए यहां पे इंस्टीट्यूट ने अब क्या किया है, रिवाइज आरटीपी के अंदर जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया नेक्स्ट ईयर के लिए, उसमें जो ऑलरेडी बोरोइंग कॉस्ट इनकर की थी उसे कैपिटलाइज कर दिया है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 है उसके सॉल्यूशन पे आएंगे, और यहां देखिए ये आपका बोरिंग कोस्ट कैपिटलाइज हुआ था नेक्स्ट ईयर में, देखिए इसे भी उन्होंने क्या किया, कोस्ट के अंदर कंसिडर कर लिया है। 45 ये है ओपनिंग, और प्लस आपका
1.875 है। ये मैं आपको एक बार ओरिजिनल आरटीपी में दिखा देता हूं। यहां पे उन्होंने पहले क्या कर रखा था, ये गलती कर रखी थी, ये मैंने सॉल्यूशन साइड में लगा रखे हैं। आप एक बार उस पूरी आरटीपी को देखोगे तो उसमें मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा था। ये देखिए यहां पे इन्होंने ओपनिंग बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन का अमाउंट नहीं ले रखा था। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करना था कि जो आरटीपी वो रिवाइज हो चुकी है, और साथ साथ आईसीआई को थैंक्स बोलना था कि उन्होंने हमारी इस बात को सुना। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी दोस्त ने, किसी बच्चे ने वीडियो को शेयर किया हो, और जो जो एक्शन मैंने बोले थे, जो जो मैंने गलतियां बोली थी, उन सब के ऊपर एक्शन ले लिया गया है। थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मई 23 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स के लिए मैं बड़ी सारी रिवीजन वीडियो लेके आया हूं। ऑलरेडी कुछ चैप्टर की रिवीजन वीडियो मैंने डाल दी है, 100% टीवाई की मैं करा रहा हूं, और कुछ और वीडियो आने वाली है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हां, प्लीज ध्यान देना, इस वीडियो को सबके साथ आपने शेयर करना है इस बार एग्जाम पर।